और गाइस क्या हाल है। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अरे मेरे चैनल पे तीसरी अनबॉक्सिंग है। ओहो और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ नया फ़ोन, जिसका नाम है Realme 2। तो ये Realme 1 भी मेरे पास है, पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि Realme 2 कैसा है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा है फ़ोन, क्या है इसके फीचर्स, कैसा है डिस्प्ले। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ये सबसे सस्ता फ़ोन है जिसमें आपको नॉच देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा। तो ये जो मेरे पास अभी रखा है ये तो Poco F1 है, और अब मैं दिखाता हूँ Realme 2 का नॉच कैसा है। तो फिलहाल कर लेते हैं इसको अनबॉक्स जल्दी से। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ से कट, और बीच से भी काटना पड़ेगा एक बार कुछ इस तरह से। तो ये पैकेजिंग ऊपर से हटाते ही हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे Realme 2 का बॉक्स। ये मैंने ऑर्डर करा है फ्लिपकार्ट से, और ये है 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। इसे भी कर लेते हैं हम अनरैप जल्दी से, और ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। और ये रहा इसका बिल साथ में, ये पड़ा है 8,990 का। ये रहा 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट, या सामने पर लिखा है 2, नीचे लिखा है Realme, और यहाँ पर भी Realme 2, यहाँ पर भी Realme 2। और यह से कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, रियर कैमरा 13+2 मेगापिक्सल, फ्रंट 8 मेगापिक्सल, ये तो मुझे पता है। बैटरी यहाँ पर काफ़ी बड़ी देखने को आपको मिल जाएगी, जो है 4230 mAh की 4230 mAh की बैटरी आप देखने को मिल गई है। तो इसे अगर कंपेयर करें Realme 1 के बॉक्स से, तो Realme 1 का बॉक्स था पूरा लाल लाल सा, और अगर देखें इसे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है रेड और वाइट का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। Realme 1 का भी अच्छा लग रहा है यार, बॉक्स में क्या रखा है, जो चीज़ अंदर है हमें तो मतलब उससे है। तो उसे कर लेते हैं हम जल्दी से एक बार और अनरैप, यहाँ से काटता हूँ इसे मैं, यहाँ से जल्दी जल्दी से हो जाएगा। इसे कर लो रिमूव, ये हो जाएगा अनरैप बड़ी ही आसानी से कुछ इस तरह। ओहो तो कहाँ चलेगा, हटाते हैं हम ऊपर वाले कवर को, तो देखने को सामने हमें क्या मिलता है। इसे हटाएंगे, इसे रखते हैं साइड में। उसके ऊपर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है हमको, जिसमें रखा है मुझे पता है क्या, यह है एक सिलिकॉन केस, यह है एक सिलिकॉन सॉफ्ट केस जिसमें कि कटआउट है डुअल कैमरा का, फिंगरप्रिंट सेंसर का, ठीक ठाक सी क्वालिटी का ये लग रहा है। साथ में है कुछ ये यूज़र मैनुअल्स, इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसको हम कर देते हैं साइड में। और ये TPU केस हम बाद में फ़ोन में लगा के देखेंगे कैसा लगता है, इसे भी रख देते हैं हम एक बार के लिए साइड में। और अब देखते हैं यहाँ पर सामने पर रखा हुआ है हमारा फ़ोन ब्रांड न्यू, जो कि है Realme 2। इसे अगर हम निकालते हैं कुछ इस तरह से, अच्छा तो ये पीछे का सेक्शन भी आ गया साथ में। तो ये रहा ब्रांड न्यू Realme 2, जो कि रैप्ड है प्लास्टिक में। इसे हम देखेंगे बाद में, 2 मिनट के लिए रखते हैं साइड में और देखते हैं बाकी के बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं। अगर पहले यहाँ पर निकालें तो हमें दिखता है एक चार्जर। बेसिकली 9000 के फ़ोन में फास्ट चार्जर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा आपको, तो उसकी रेटिंग है 5V 2A, ऑब्वियसली यार एक फास्ट चार्जर नहीं है। इसे रखते हैं एक बार साइड में। और ये रही एक डेटा केबल, जो काम आएगी आपके फ़ोन को चार्ज करने में। और ऑब्वियसली यार 9000 के फ़ोन में आपको टाइप सी पोर्ट तो नहीं मिलेगा, तो यह है एक माइक्रो USB पोर्ट जो दिखता है कुछ ऐसा। इसे भी रखते हैं एक बार के लिए साइड में, इस बॉक्स को भी कर देते हैं साइड में। करते हैं अब हम इस रैप को यहाँ से रिमूव जल्दी से। तो यार सामने पे देखने को मिल जाएगा हमें, ये है Realme 2 जो दिखता है कुछ ऐसा। इसमें भी डायमंड कट डिज़ाइन है कुछ इस तरह से, जो कि Realme 1 में भी था। Realme 1 भी मेरे पास है, पर अभी उससे तो मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता। ये कवर भी हम एक बार अगर हटा देते हैं, उसे रखते हैं साइड में। काफ़ी ग्लॉसी सा लग रहा है यार ये, बिल्कुल यहाँ पे ग्लास फिनिश दी है Realme 2 ने। सामने की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 6.2 इंच का डिस्प्ले, जो कि आता है 2.5D कर्व ग्लास के साथ। तो एक बार इसको करते हैं बूट, और जब तक ये होता है बूट, तो जैसे ये बूट हुआ है यहाँ सामने पे लिखा है Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो जब तक ये बूट हो रहा है तब तक मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू बता देता हूँ उसका। तो अगर राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा। जाएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर है कुछ भी नहीं, यानी कि IR ब्लास्टर भी नहीं दिया है Realme 2 में। अगर आते हैं हम लेफ्ट साइड की तरफ तो यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगी एक सिम ट्रे। सिम ट्रे से आता है यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल तो देखने को नहीं मिला मुझे, धोखा कर दिया यार इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मिलता है आपको ये वॉल्यूम रॉकर, उसके ऊपर सिम ट्रे। सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा अपने माइक्रो SD कार्ड के लिए। आप लगा सकते हैं 2 सिम, और साथ में लगा सकते हैं अपना मेमोरी कार्ड भी।
ये हो चुका है बूट, अब जल्दी से कर लेते हैं इसकी सेटिंग। डिस्प्ले काफ़ी कमाल का लग रहा है यार सामने से देखने पे। 6.2 इंच की डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये नॉच भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है। अगर इस नॉच को कंपेयर करें हम पोको F1 से, तो एज कंपेरिजन में तो यार देखो पोको F1 की नॉच काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा बेटर मुझे देखने को यहाँ पर पोको F1 लग रहा है दिखने में। पर बाकी पोको F1 का प्राइस भी तो ज़्यादा है। इसे रखते हैं 2 मिनट के लिए हम साइड में और देखते हैं अपने Realme 2 को। इसे जल्दी से कर लेता हूँ मैं एक बार सेट। बारी आती है यहाँ पे एक पासपोर्ट लगाने की, तो लगाते हैं हम सिंपल सा 1 2 3 4 5 6। इसे दोबारा से कर लेते हैं हम एक बार यहाँ पर टाइप 1 2 3 4 5 6 और ये हो चुका है सेट। अब ये कह रहा है फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए, तो वो भी कर लेते हैं हम जल्दी से। और यहाँ पर करते हैं हम टच बार बार। फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है यहाँ पर और अब ये कह रहा है फेस एनरोल करने के लिए, तो वो भी कर लेते हैं हम जल्दी से। मैं अपनी शक्ल ले आता हूँ उसके पास और ये हो जाएगा जल्दी से सेट। तो यहाँ पर करते हैं हम गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यार मैं ब्राइटनेस एक बार फुल कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आप सभी को। ये है टिपिकल ओप्पो का पर्सनल UI जो कि है कलर OS 5। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यार, ये नॉच काफ़ी पसंद आ रही है मुझे दिखने में। अगर इस नॉच को देखें हम पास से, तो यहाँ पर है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके बगल में है ईयरपीस और उसके बगल में होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि शायद आपको दिख रहा होगा ब्लिंक कर रहा होगा हल्का हल्का सा। यार मज़े की बात है ना कि इसमें टेम्पर पहले से लगा हुआ आया है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, तो ये टेम्पर है पहले से ही लगा हुआ आया है। अच्छी बात है यार, कुछ खर्चा बच जाएगा हमारा। अब एक बार चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक कितना तेज़ है। अभी ये फेस कर रहा है कैमरा को, जैसे मैं घुमाता हूँ अपनी तरफ ही हो गया अनलॉक। अभी ये दोबारा से फेस कर रहा है कैमरा को, घुमाऊँगा अपनी तरफ और ये अनलॉक हो जाएगा। तो यार काफ़ी तेज़ लगा मुझे इसका फेस अनलॉक। अगर दोबारा से देखूँ मैं, बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब लॉक स्क्रीन भी नहीं आ रही, काफ़ी तेज़ खुल जा रहा है। और अब देखिए अगर हम फिंगरप्रिंट यहाँ पर एक बार कैसा है, तो यहाँ पर टच किया और ये खुल गया। यहाँ पर मैंने करा टच और ये खुल गया, यहाँ पर करा टच और ये खुल गया। बेसिकली ये कर रहा हूँ टच और ये खुल जा रहा है, टच करते ही ये खुल रहा है। काफ़ी तेज़ लगा यार मुझे इसका फिंगरप्रिंट भी। अगर पोको से यहाँ पर कंपेयर करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही तेज़ यार, मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते हम, मतलब लाइटनिंग फास्ट है पोको का, पर प्राइस भी तो ज़्यादा है। मैं एक साथ दोनों बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पोको का तो यार एकदम ही खुल जा रहा है जैसे ही बटन हम प्रेस करते हैं, और रियलमी 2 का थोड़ा टाइम ले रहा है, फिर भी काफ़ी तेज़ लगा मुझे रियलमी 2 का। एक बार मैं आपको इसका कैमरा बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा ये कैमरा। कैमरा एक बार टेस्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर देखें हम इस फोटो को ओपन करके, तो डिटेल तो काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है इसमें। तो गाइस ये तो था इसका रियर कैमरा, और अगर आप देखते हैं हम इसके फ्रंट कैमरे को, और मैं क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको एक फ़ोटो। इस फोटो को अगर हम करके जूम देखें कि कैसी आई है ये, तो अगर इसे जूम करके देखें तो काफ़ी अच्छे से मुझे डिटेल देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब बाल काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। मतलब कैमरा तो मतलब ये कह सकते हैं कि बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा कैमरा मिलता है आपको 9000 में। वैसे रियलमी में आपको वैसे कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये रहा रियलमी 1, इससे कर रहा हूँ अभी शूट। इसका भी सेम कलर है, वही डायमंड कट वाला डिज़ाइन है। ये रहा रियलमी 1 कुछ ऐसा दिखेगा, और रियलमी 2 कुछ ऐसा है, तो अंदाज़ा लगा लो। ये रहा रियलमी 2 और ये रहा रियलमी 1।